हि जोपी जनब गिरीबरा धारी आगे वारी। आगे वारी। जय गिजनवा भय गिरीवराधारे जय माधव धया कुंज विहारे

जय तेरा बना चारी चार रिया कुंजारी जय यमुना तिर वन चार रि जया कुंजी हे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে রাম 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 হরে হে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম

Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नितग हरिवन हरिव हरी व राधावत सत्य राधा वत सति राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जया प्रभु पद जय प्रभु पद प्रभु पद जया प्रभु पद जय जय प्रभु पद पाद जयं परम शुपरी भज का चल सद श्रीष्य श्री भक्ति विदान समी श्री प्रभुपाद की जय समक्त की जय प्रणाम संकीर्तन की जय प्रेम शिखर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवद हीश भाषा आदि गौर भक्तबिंद की जाए गौर भक्तबिंद की जाए समृत भक्तबिंद की जाए हरिनाम संकीर्तन की जाए तुलसी महारानी की जाए गंगा माई की जाए ऑल गोष्ठी वास्वी ऑल गोष्ठी ऑल गो श्री गुरु गौरा ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवते भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति हरे हरे नाम नाम हरेणाम हरेणाम हरेणामेव केवलं कलौ नास्त्येव नास्त्यो नास्त्येव गतिरन्नथा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद्भागवतं स्कन्दचार अध्याय श्लोक श्लोकनम्बर एक्तिस वरं मणिमहे अथोपि नाथ परतह पराम बरम वनी महे तथापि नाथ तद परतह परां ना ही अंत ता विभूति स अनन्त इति गीयते न हि अनन्त सो सोऽन्त इति गीयते महे तथापि बरंबणि महे अथोपि नाथ तद्परतः परा न हि अनन्त तद्विभूतिनां सोऽन्ति गीयते बरं वणिमहे यथोऽपि नाथ तद्परतः पराद नहि अनन्त तद्विभूतिनाम् सो अनंतेति गीयते बरम बनी महम नाथ तद पर पराद न ही अनंत तद विभूती नाम सो अनंतेति गीयते

मांगेंगे अथोपि अतः नाद हे स्वामी तद तुमसे आपसे पराद प्रकृति आदि से परे प्रकृति आदि से परे न नहीं ही निश्चय ही अंत अंत तत् तुम्हारे नाम ऐश्वर्य का बहो अनंत अनंत इति इस प्रकार ग्य से विख्यात हो अनुवाद जगदगुरु श्री प्रभुपाद की जाए। बोलेंगे अतः हे स्वामी हम आपसे बर देने के लिए प्रार्थना करते प्रार्थना करेंगे क्योंकि आप समस्त दिव्य प्रकृति से परे हैं और आपके ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है अतः आप अनंत नाम से विख्यात है जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्रवण करेंगे प्रजताओं को भगवान से कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं थी कि क्योंकि तो भगवान की उपस्थिति मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं जब महाराज ने भगवान का दर्शन करने के लिए कठिन तपस्या की थी और ये भगवान से बर प्राप्त करना चाहते थे वे अपने पिता का सिंहासन या उससे भी श्रेष्ठ तरपद प्राप्त करना चाहते थे किंतु तो जब भगवान उनके समक्ष उपस्थित हुए तो ये सब कुछ भूल गए उन्होंने यही कहा हे स्वामी मैं आपसे कोई बर नहीं चाहता भक्त की यही स्वाभाविक वास्तविक स्थिति ही होती है वक्त तो भगवान के समक्ष रहना चाहते हैं चाहे इस लोक में हो या अन्यत्र और उनकी सेवा में लगे रहना चाहता है भक्तों के लिए यही चरम लक्ष्य तथा बर है भगवान ने प्रजताओं से वर मांगने के लिए कहा था अतः उन्होंने कहा हम कौन सा वर मांगे भगवान अनंत है अतः वर भी अनंत है तात्पर्य है कि कोई वर मांगता है तो उसे अनंत बर मांगना मांगने चाहिए इस्लोग के तत्परतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है भगवान तो परतः परात है पर शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे अर्थात दिव्य निर्विशेष ब्रह्मत इस जगत से परे है और इसे परम पद कहा जाता है आरुज कृष्ण पदम पदम परम पदम भगवान के निर्विशेष तेज में मिल जाना परम पद कहलाता है किंतु इससे भी उच्च दिव्य पद होता है वो है भगवान की संगति ब्रह्मति परमात्म्यति भगवान शब्दती परम सत्य का बोध पहले निर्विशेष ब्रह्म फिर परमात्मा तथा तो अंत में भगवान के रूप में होता है इस तरह भगवान परत पराज है अर्थात ब्रह्म तथा परमात्मा के साक्षात्कार से ऊपर है इस प्रसंग में जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि परत परात का अर्थ है, है सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ तो आध्यात्मिक जगत है और यह ब्रह्म कहलाता है किंतु भगवान तो पर ब्रह्म कराते हैं अतः परात का अर्थ है ब्रह्म साक्षात्कार से श्रेष्ठ जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया प्रचेताओं की योजना कुछ ऐसी मांग प्रस्तुत करने की थी जो अनंत हो भगवान की लीलाएं गुण रूप तथा नाम सभी अनंत हैं इन सब का कोई अंत नहीं है किन्तु यदि सारे जीव परमेश्वर की अनंत शक्तियों को सुनने में लग जाए तो ये अनंत से सीधे जुड़ जाते हैं श्रवण तथा कीर्तन के, के द्वारा अनंत का ऐसा ज्ञान अनंत बन जाता है जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जाए अमज्ञान तिरंदस ज्ञान शला चक्षुरुर्मितं जेन तस्मै श्रीगुरुवै नमः श्रीचैतन्यमनहोविष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीजूतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांशं श्रीरूपां शक्रजातं सगुणरघुनाथन्नितं तं सजीवम् स्वाध्वैतं स्ववधुतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् स्वगनलिता श्रीविशखानितानिसं हे कृष्णगरुणा सिन्दो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकान्त नमस्तुतिं प्राप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधिवृन्दावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरेप्रिये वंशाकल्पतुर्भस्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावने भो भो नमो नमो जय श्रीकृष्णचैतन्नं प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर् शिवासदि गौरभक्तिन्दु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે લોકાભિમીર રજવનેત્ર રઘુવંશનાથ શ્રીરામચંદ્રશિ વાતા્મજૂત વનજૂત મુખમ રઘુવતી વિભક્ત વામા वरम हम अथापि नाथ तत्त परत न ही अंत सुअनती गीयती प्रचेताओं का प्रचेताओं के ऊपर भगवान शिव का असीम कृपा है भगवान शिव कब कहीं किसी के ऊपर कृपा कर दे ये कहना कठिन है प्रचेताओं तो भगवान शिव के लिए नहीं गए थे पिता के आदेश से कुछ अध्यात्म शक्ति प्राप्त करने के लिए गए थे परंतु भगवान शिव दर्शन दे के प्रेरणा दिया भगवान विष्णु का स्तुति करने के लिए भगवान स्तुति भगवान विष्णु का ध्यान करने के लिए तपस्या करने के लिए और वो नारायण सरोवर के अंदर वार नहीं बड़े दिव्य है यथा यथाशम्भ शंकर की कृपा शिव की कृपा जिनके ऊपर होता है वो बड़े भागी है जल्दी उसको भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को प्राप्त होने का संभावना रहते हैं और वैष्णव को पहचाना बड़ी कठिन है इस जगत में भी हम वैष्णव को देखते हैं और जब तक तो वैष्णव की कृपा नहीं है तो हम कितना भी बड़े बन जाए कितने भी जानकारी प्राप्त कर ले तपस्वी बने और भी कुछ भी बने बन सकते हैं क्योंकि तपस्या में शक्ति होता है और वो तपस्या के फल भी मिलता है परंतु पतन अधा कभी भी उसका पदस्खलन हो सकता है ये वैष्णव समाज जो है देखने में बड़ी सीधा है सरल है लेकिन बहुत कठिन है देखने में सीधा सारा जो वस्तु है वो बहुत कठिन हो सकता है हजारों लाखों वस्तुओं का गति रुक गए जिस गति से जाते हो गति रुक गए क्योंकि वैष्णव को पहचाना नहीं है बज्जी ऊपर से दर्शन करके दस गुण विचार करके वो फिसल जाते हैं तो भक्ति मार्ग में पचताओं ने शंकर भगवान भगवान शिव का दर्शन किया जो वैष्णव का अग्रणी है श्रेष्ठ वैष्णव है और जिनकी उपदेश प्राप्त करके प्रचिताओं ने भगवान का भी कृपा पात्र बन गए आज के श्लोक में साक्षात भगवान को दर्शन देकर के नहीं कह रहा है जब तक वैष्णव की कृपा नहीं है तो वो भगवान तक जा भी नहीं सकता सभी वैकुंठ तक जा सकते हैं वैतरण तक तो जा सकते हैं और वैतरण वो स्थान है भगवान की गुल की वैकुंठ के आगे बड़ा नदी के रूप में है और वो वैतनीणी में सबको प्रभाव की तरह घूमना पड़ता है जा नहीं सकते तो वैष्णव की कृपा कैसे तो वैष्णव की कृपा के बिना कोई गति नहीं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई से केवा नत्तमदास ठाकुर कहते हैं वैष्णव की सेवा नहीं तो वैष्णव की सेवा का ये मतलब नहीं है इनको चरण धोते रहे उनका प्लेट लगाते रहे ये और कोई नहीं वैष्णव आपको कोई उपदेश करते हैं वो उपदेश को अच्छा लगे तो जरूर उसको धारण करें अगर सच्चा वैष्णव है तो कभी आपका अमंगल नहीं सोचेगा वैष्णव का स्वभाव है दूसरों का मंगल करने के लिए क्योंकि वैष्णु भगवान की उपासक है जो विष्णु भगवान के उपासक है उनके वास में आशीर्वाद होता है अभिशाप नहीं अगर अभिशाप कोई देते हैं तो वो वैष्णव है ही नहीं बात वैष्णव को भी अभिशाप देते हैं नहीं नारद जी को कितनी बार कष्ट हुआ है वो चाहे तो उस दक्ष को साप के बदले में श्राप दे सकता था जगो रखते हैं लेकिन नहीं दिया दक्ष ने कहा के जाओ नारा तुम्हारा घर बार नहीं है तुम तो घूमते हो भूतोड़ की तरह परिवार को नष्ट कर दिया हमारी सारी पुत्र को तुमने बाबा जी बना दिया हा? जाओ साफ लेता हूँ कि कहीं भी तुम टिकोगे नहीं एक जगह में घूमते रहो नारद चाहते थे तो उसको भी कुछ साब दे सकते थे लेकिन कहा कि ये तो अच्छा हुआ साब में बर हो गया कितनी अच्छा सोच है नारद जी का कि एक जगह में रहूंगा तो घर का जोगी जोगड़ा कितना भी हम एक जगह हैं कि जोगड़ा बन जाएंगे लोग हमारे देखेगा बहता पानी रमता जोगी की तरह घूमते रहूंगा भगवान के नाम ढूँगा नारायण नारायण करते रहूंगा चलते क्या तकलीफ है चल दिया आपने बहुत अच्छा किया है ये श्राप नहीं है तो मेरे आशीर्वाद है तो श्राप को भी आशीर्वाद देखते हैं वैष्णव लोग और कभी भी श्राप देते नहीं वैष्णव का बड़ी कृपा है इसलिए नतमदास खाकुर कहते हैं साड़ी वैष्णव सेवा निस्तर पाई से कोई निस्तार में नहीं है कोई उपाय नहीं है वैष्णव समाज की पहले है जो जहाँ पर है और वो से सहयोग लेना चाहिए और यही वैष्णव धर्म है हम तपस्या करके आगे बढ़ सकते हैं आज के श्लोक में कृष्ण परम पदम पत बड़ी तपस्या करके ऊपर तो जा सकते हैं बहुत प्रसिद्धि हो सकते हैं हमें बहुत लोग जान सकते हैं लेकिन कब कहाँ किस अवस्था में पतन त्योदय हो जाएगा ये कहना कठिन है इसलिए सावधान रहना चाहिए सावधान की कोई मार नहीं है और जो असावधान रहते हैं कितना भी बड़ा तैराके हैं कितना भी ड्राइवर है कितना भी बड़े व्यक्ति है दक्ष है किसी विषय में तो असावधान से उसका पतन हो सकता है गिर सकता है एक्सीडेंट हो सकता है इसलिए सावधान होना चाहिए श्री भगवान को कहते हैं सावधान होता और सुनो सुनना भी सावधान से है या कान से सुन के या कान से निष्काल निकाल देना नहीं सुनना है कान को सुनना है चालोनी की तरह माता जी लोग फसल आदि से गंदा निकालने के लिए चलाते हैं चालक तो चालोनी है तो उससे उस प्रकार सुनना है कान में धारण करें कान में वो सुने मण रेशायनम श्रीमद भागवत की जो कथा है वो सर्वत्र रस की प्रभाव है हम तत्व से सुने या तत्व से बोलने के प्रयास करें जो कथा है तो लोगों को बड़ी प्रिय लगता है अमरी जैसे लगता है क्योंकि है। कथा की नियम है तव कथा मृतम से जीवनम हम सब तपी जीवन में फंसे हुए हैं और ये भागवत की कथा है तो उम्र प्रदान करते हैं ऐसे गर्मी के दिन में लोग ठंडे पानी ग्रहण करते हैं तो शीतल हो जाता है शरीर उसी प्रकार ये तप ये जीवन को अगर कहीं शीतलता प्रदान करना होता है तो श्रीमद भागवत सुनना है आज भागवत में प्रचेताओं ने भगवान से प्रार्थना करें प्रभु आपसे क्या मांगे प्रभुपा जी यहाँ सुंदर उदाहरण दे के बताते हैं कि ध्रुव महाराज जी का ध्रुव महाराज जी की तपस्या के बारे में आप सुने हैं ध्रुव महाराज ने चौथली माँ की कटुबक् से निकलकर बन में गए और वे वृंदावन ध्रुव टीला मधुबन में है वहां के तपस्या करने लगे एक एक महीने में एक एक तपस्या का प्रगति है साधक को तपस्या करते करते अगर प्रगति नहीं हो रहा है तो मानो हमारे मन कहीं लगा हुआ है पीछे की तरफ साधक को साधना करते करते स्वयं को अनुभव होना चाहिए हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं पर ऐसा नहीं है तो सोचो कि मेरा मन कहीं और कहीं लगा है इसलिए हम बढ़ नहीं रहे जब तक मन को एक जगह में नहीं लगाएंगे प्रगति की ओर तो फिर दुर्गति और जाना ही जाना है प्रगति और दुर्गति दोनों शक्ति आपस में खिचरा है आपको किधर जाना है हम आए प्रगति के लिए लेकिन प्रगति नहीं हो रहा है तो सोचो कि हमारे मन पीछे है ध्रुप महाराज ने पहले महीने में तपस्या किया केवल कैद की फल खाके तीन दिन अंतर अंतर तो फल खा के तपस्या किया ओम नमो भगवती वासुदेव मंत्र के उच्चरण किया गुरुद के दिया हुआ आपके आपके गुरु जी के दिया हुआ जो भी मंत्र मिला है चाहे हरे कृष्ण मंत्र मिले कि और कोई गुरुओं से जो भी मंत्र इसको मिले तो मंत्रों से जब करके अगर प्रगति नहीं हो रहा है सोचे तो मन हमारी कमी है कहीं ना कहीं हम पीछे लगे हैं हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और प्रगति है क्या मालूम पड़ेगा कैसे मालूम पड़ेगा प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है साधक को खूब स्वयं सोचे कि मैं एक दूसरे से कोई द्वेष भावना रखता हूं क्या मैं दूसरे से कोई अपनी अहंकार जताता हूं क्या दूसरे के सामने मैं प्रतिष्ठा की डंका बजाता हूं ये सब चीज नहीं है इस तरह सर सर्वभूतान शेष तो अर्जुन ऐसा भाव रख के अगर सोचे तो झगड़ा है ही नहीं तपस्या तो है ही नहीं कष्ट कठिनाई है ही नहीं जो महाराज जी ने पहली महीने में कैद के फल तीन महीने खाते खाते तो कहा आए शेर आए जंगली जनता आए आकर के चारों तरफ हंकार रहे हैं सांप तो आकर के सुबर महाराज के गले में लपेट गए काटा नहीं है जिनके पास दिव्य मंत्र शक्ति है ओम नमो भगवती वासुदेवाय वो सांप क्या करेंगे घूम घाम के गले लपट के चले गए सिंह आए होंगर झड़ा लेकिन भरत महाराज तो निडर होकर के गुरु की आदेश को पालन करते जब करते रहे ओम नमो भगवती वासुदेवाय चले गए सिंह अनेक जंतु जानवर आए हाथी आए बड़ी चिंगारिया करके मानो कि आप ही सोर से उठा करके वाला को फेंक फेंक देगा लेकिन नहीं मंत्र की प्रभाव ऐसा है आप देखते होंगे भगवान राम जी का भक्त हनुमान जी कहीं जब करते हैं राम 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 करते हैं तो चित्र में दिखाई देता है कि चारों तरफ राम राम की एक गोल सा वर्णन देते हैं और तो समझाते क्या कि वक्त नाम करते हैं भगवान का उसके चारों तरफ ये बुलाया कर एक शक्ति का प्रकट हो जाता है जिसके कारण उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता वो महाराज ने दूसरी महीने में तपस्या का और कड़ी बढ़ाया छ दिन के अंदर अंदर थोड़ा जल पीना शुरू किया फिर तीसरे महीने में नौ दिन अंतर अंतर जंगली जड़ी बूटियों को पीस के घोल बना करके छत्तू बना करके उसको पीते रहे नाम जप करते रहे ये तपस्या का प्रगति है हम क्या करते हैं एकादशी आए तो पकोड़ा की चिंता है मखाना किधर है बनाओ और और जो भी प्रसाद हमको मिलते हैं नहीं होता तो और बनाओ ये तपस्या का प्रगति नहीं है ये आत्महिंद प्रतिभांशा है अपने आत्मा इंद्रियों को प्रसन्न कर रहा है ये खाने को नहीं खा लो हाँ डॉक्टर ने कहा तुम्हारे घुटने में दर्द है तो ठीक अलग बात है लेकिन जिसका नहीं है वो अगर कहते नहीं मखाना बनाओ हमारे पनीर का सब्जी बनाया अरे प्रसाद बने जो वही आपको खाना है पूछना भी नहीं है जो पूछने का अर्थ है हमारे जीव का लालचक गए नहीं हम ढूंढ रहे हैं चूहे की तरह किधर मिलेगा किधर मिलेगा किधर सु भगवान के भोग लगानी अगर भक्त को कोई पूछता है बिन तो भगवान का भोग नहीं लगता तुम्हारा पहले भोग लग गया भाईचार्य कहते हैं हमारी श्रद्धा भगवान में इतना रखना है कि जो भी प्रसाद भगवान को चढ़े वही हमको प्राप्त करना है प्रसादस्तु प्रसन्नता वो प्रसन्नता हमको प्राप्त होना है देव महाराज ने इसी प्रकार से चौथा महीने में प्रवेश किया तो क्या सब कुछ छोड़ दिया है केवल वायु के ऊपर ले करके बारह दिन अंतर अंतर वायु ले रहा है हम एक छांस थोड़ा से भी नहीं हुआ तो हम कुछ दिन के पहले हॉस्पिटल मुझे कोई जाना पड़ा जरा से भी कष्ट सी कितना कष्ट हुआ हर वो महाराज ने कितना कष्ट करके तपस्या किया प्राण प्राणवायु को प्रभुभा जी ने विदेश जब गए सागर के उस जल दूध में प्रभुपा जी को हार्ट में तकलीफ हुआ पसीना आ रहा है पता नहीं आप चले जाऊँगा लेकिन भगवान ने उसको रक्षा किया प्रभुपा जी को दिया प्राण वायु का रोकना रोक करके तपस्या करना कितनी बड़ी बात है कोई सोचा नहीं सोचा कोई करके देखो कितना समय लगता है प्राणवायु रोक के कितना समय रोक सकते हैं रोक करके पानी के अंदर जाके देखो दम धाके पता लगेगा ऊपर तो कोई चोरी चोरी लेगा ले कोई फायदा नहीं आए पानी के अंदर जाओ और कितना रुक करके तपस्या कर सकते प्रचेताओं ने पानी के अंदर प्रवेश किया है और वहां तपस्या किया है ऊपर नहीं है तो कैसा तपस्या किया कैसा शक्ति प्रचेता कोई साधारण जीव नहीं थे बहुत ही भगवान की कृपा प्राप्त है जो महाराज ने ऐसी तपस्या किया बारह दिन के बाद में एक श्वास वायु लेते हुए खड़ा हो गए अरवंथी में जो चौथा महीना इस प्रकार से तपस्या में निकल गए समस्त सिद्धियों को क्रश करके समस्त शक्ति को पीछे करके विधवा महाराज ने उस स्थिति में पहुंच गए जहां देवता के तक पहुंच गए और एक पैर में खड़ा हो गए तो ब्रह्म से अग्नि निकले निकल के देवताओं के पास पहुंच गए सूर्य लोग में घबराए सब वह कौन कौन आए सब भागे सबको कष्ट होने लगे गुरु महाराज की तपस्या के फल सब देवता भागे भगवान के पास हाँ कहने लगे जो अंत प्रसन्नम जो आई अंत हो रहे है हमारी ऐसी प्राण शक्ति जा रहे हैं कोई प्राण हार्ट हार्ट अटैक हो सकता है कौन है कौन तपस्या कर रहे हैं भगवान कहते हैं महाविष्ट चिंता मत करो मैं जा रहा हूँ तुम्हारी कष्ट को दूर करने के लिए उत्थनपाद भाई मामा प्राण आत्मा संग संगत आत्मा पाद के पुत्र जो मेरा संग को प्राप्त किया अभी संग प्राप्त किया नहीं भगवान कह दिया संगत प्राप्त किसका संगत प्राप्त किया नाम की संगत प्राप्त किया हम कहते हैं ना नाम और नामी में कोई अंतर नहीं सिद्ध तो ध्रुव महाराज ने नाम और नमी में कोई अंतर नहीं है भगवान कहते हैं उत्थन पाद मई मम संगत प्राप्त वो किसको संगत प्राप्त किया भगवान तो मिले नहीं पहले देवताओं को बोल रहे हैं अभी तो नाम की संगत किया है हरे नाम हरे कथा और भगवान से कोई अंतर नहीं ये विचार करके हमें मन में दृढ़ करना है कि मन में दृढ़ नहीं है तो अधूरा रह जाएगा ऐसा ही ऐसे समय आते हैं उसे निकल जाते हैं तो मां ने दृढ़ किया नाम को नाम को धारण किया प्रभु मिलेंगे निश्चित कर दिया क्यों तो मां ने जो बताया कि माँ कभी झूठ नहीं बोलता बेटा सुनीति ने नीति से बताया बेटा हमारे दुख की कष्ट दूर होगा तब जो हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो महाराज ने कहा कि माँ तुम भी वही कह रहे हो क्या कह दिया तपस्या आराध्य तपस्या आराध है ना परम पदम और तपस्या करके परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए सुरुचि माता ने कहा था और आप भी बता रहे हो बोले हाँ जो बात मैंने कहा नहीं कह नहीं सकता वो सुरुचि ने बता दिया यही हमारी एकमात्र सुख का कारण हो सकता है भगवान के दर्शन हो जा तभी तो हमारा सुख हो सकता नहीं तो नहीं देखो बेटा तुम्हारे बाप ने हमको तो दासी भी नहीं समझते बस समझ गए ध्रुव महाराज ने बहुत बुद्धिमान है ध्रुव महाराज राजा का बेटा तो सब बुद्धिमान होता ही है कभी तलवार चलाना नहीं बुद्धि भी रखते हैं ध्रुव महाराज ने समझ गए माता बस आप बातें भगवान कहाँ मिलेंगे बोले वो ऊपर रहता है कैसे मिलेंगे ऊपर बोले बड़े बड़े साधु लोग तो करते 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 बूढ़े हो जाते मर जाता जन्म 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 से साधु लोग तपस्या करते हैं अंत राम नहीं आवत फिर भी राम नहीं आते बेटा कहाँ करेंगे बोले पिताजी माता जी कुछ भी हो जाए आप मुझे भगवत प्राप्ति करना ही है मन को कस लिया स्थिर बना लिया और माता के वाक्य में गए और माता कभी झूठ नहीं बोलता स्थित करके आगे गुरु मिला मंत्र मिला बन मिला और भगवान भी मिल गए यह तपस्या का गति है तपस्या का पहाड़ी गति साधक को तपस्या में आगे बढ़ने बढ़ रहा है कि नहीं पीछे हो रहा है कि आगे जा रहा है कि बीच में तटस्थ हो गया तटस्थ शक्ति हम लोग वहीं खड़ा हो गया कि देखना है खुद देखे कोई देख नहीं सकता तुम क्या कर रहे हो कहाँ तक पहुँचे कोई नहीं देख सकता अपने को दिखाई देगा धोल महाराज प्राप्ति किया भगवान ने भगवान आकर के दर्शन दिया और दर्शन दिए लेकिन धूल महाराज तो आँख में बंद करके चिंतन कर रहे हैं भगवान का सामने भगवान खड़े हैं और जो महाराज ध्यान कर रहे हैं तो क्या अंतिम में भगवान ने कहा कि ये तो हमको दिखता ही नहीं भगवान आके सामने खड़ा हो गए लेकिन धुव्य तो मुझे आँख खुले नहीं है तब क्या तो भगवान ने अपनी जो चित्र को अंदर देख रहा था उस चित्र को भगवान खींच के अपने में मिला लिया जब मिला लिया तो बंद अंदर देखना बंद हो गया जब अंदर देखना बंद हो गया तो आँख खोला देखा के सामने वो जो अंदर देख रहे थे वही तो भगवान का दर्शन करके देव महाराज ने दंडवत प्रणाम किया परिषद महाराज कहते हैं राजन देखो एक चुनना से बालक है और भगवान के सामने कैसे पड़े हैं दंडक की तरह एकदम लंबा हाथ करके हम कभी कभी दंडप करते हैं कैसे करते हैं जबो माला एक हाथ में लेकर के कैसे नियम पालन करना होता है ना बस नियम पालन करते प्रणाम करके उठ पड़े नहीं हाथ में माला लेके कभी प्रणाम करने का असिधता नहीं माला पूरा करो करके प्रणाम करो और श्रद्धा भक्ति को दिखो तो दंडवत करके हाथ लंबा करके प्रणाम करे दंडवत उसको कहते हैं कैसे सिर झुकाया थोड़ी प्रणाम करके भाग गया जल्दी अरे कहाँ भागना है किधर भागना है क्या इसको भागना है किस लिए भागना है जहाँ हो वहीं से तपस्या करो गुरु महाराज ने किया भगवान के सामने पड़ा हुआ और भगवान को दया आ गया भगवान ने गुरु महाराज को उठाया और अपनी पांच जन शंख से उसको स्पर्श कराया और फिर बोलने लगे और यहाँ पर ये भी लोग भी बोल रहे हैं कि भगवान वर हम कौन सा वर मांगे कि अनंत अब अनंत है हरी अनंत हरी कथा अनंत कही सुनो बहुविध संत अलग अलग संत है साधु है भक्त है सब अलग अलग हिसाब से जिसका जिसका अनुभव है वो हिसाब से बोलते हैं कि आप तो अनंत है प्रभु अंत नहीं है जिसका अनंत जिसका अंत नहीं है वो अनंत है प्रभु आप अनंत है आपको हमें क्या मांगे आप क्या नहीं दे सकते सब कुछ दे सकते मतलब क्या मांगू क्या यहाँ प्रभु पाजी भाई सुंदर वर्णन कराएं तत्परात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण तत्परात शब्द अर्थ हैं परे तो भौतिक जगत से परे परात भौतिक जगत में लोग अधिक से अधिक नाइन्टी नाइन परसेंट की सौ परसेंट मान लो सौ परसेंट लोग क्या भौतिक वस्तु ही मानते हैं भगवान से दस रुपये डालेंगे ना गुल्लक में फटा नोट ही डालेंगे पुराना नोट ही डाएंगे जो काम का नहीं फक्कड़ हुई है बेकार वही डालेंगे अच्छा वाला रखेंगे जेब में हम तो वहां बैठता हूं ना देखता हूं कोई कोई <laughs> <laughs> दोनों निकला निकाल करके देखेगा चक का कौन है जो चकक्षक -चक वाला साफ सुथरा वो जेब में अरे वो पुराना वाला फोटा वाला है ना यही तुमको है जैसे तुम ऐसी फोटे नोट पुराने नोट बासी नोट गंदा नोट दे रहे हो तो भगवान की कृपा भी तुम्हारे ऐसा ही होगा नहीं जैसे बगीचे में बालक जाते हैं अच्छा गुलाब ले करके आ करके पिताजी को देते हैं माता जी को देते हैं या किसी भी परिवार को देते हैं वो अच्छा देख के उसको सुन के वो प्रसन्नता करते हैं हाँ अब हमारे लिए ले आए कितने बढ़िया है ये भगवान के लिए आए गुरु के लिए आए अच्छा लगता है लेकिन उसी जगह में फाटे पुराने सड़ा हुआ फूल ले भाई हम ले आए तुम्हारे लिए देखते नहीं कितने सुंदर फूल ले आए और सड़ा हुआ फूल देते हैं तो कैसे लगेगा सोचो नहीं कुछ भी भगवान को देना हो भजताम प्रतिपूर्वक भजन है तुम्हारी ते प्रणाम करो चाहे वस्तु दो पत्रम पुष्पम फलम तयम जो व्यक्त व्यक्ति कुछ भी वस्तु भगवान को दे सकते हैं लेकिन प्रेम से और पवित्रता से स्वच्छ वस्तु दे अच्छा वस्तु दे सच्चा और अच्छा वस्तु दे ये निये तो ग्रहणीय नहीं है हमारे तुम्हारे लिए लाखों करोड़ों भक्त भग चला। हाँ तू मेरा विषय है हम जिसके लिए आए हैं उसकी चिंतन करना है ये सामान्य विषय में फंसना नहीं है फेताओं ने दस भाइयों ने कभी आपस में लड़े नहीं जो तुम्हारे मोच बड़ा हो गया हमारा मोच छोटा नहीं बोला सब को एक जैसा है ये पचता है तो हमको सबको एक जैसा होना है विचारों में कम से कम शरीर में नहीं वस्त्र तो में तो कोई पीला है कोई गौरिक है कोई कला भी पहन लेते हैं आजकल प्रभुपा जी का कोई भक्त पुराना हो गया वो कैसा भी वस्त्र तो पहन के आ जाता है प्रभुपा जी के समय में नहीं था ऐसा लेकिन अब पेन कहते हैं कौन बोले इनको बोल नहीं सकते हम लोग तो छोटे प्रॉपर्टी से बोला मंशा मंशाकल्प इतना ही तो गए लेकिन नहीं जो सिद्धांत तो है गृहस्थ तो है तो दिव्य सफेद वस्त्र धारण करे बढ़िया अच्छा सर पढ़ो सफेद वस्त्र धारण करे हाँ मटका सिल चल जाएगा सफेद होना चाहिए पर ऊपर एक कलर करना नीचे कलर करना गृहस्थों तो के नहीं गलत है ब्रह्मचारी है तो पूरा अपने बृष्ट में रहो तो जो बेस है बेस व्यक्ति को बनाता है विवेकानंद बाहर गए और वहां तपस्या किया उस बेस में गए प्रभुपाद जी बाहर गए तो उस बेस में गए बेस को नहीं छोड़ा बेसिक को नहीं छोड़ा वस्त्र को नहीं छोड़ा क्योंकि वो व्यक्ति को रोकता है अनेक अपकर्म करने से देखने से रोकेंगे तुम्हारे व्यवहार तुम्हारी वस्त्र तुम्हें गड़ी में जा करके रेडी के पास जाके मंगफुली खरीद करके खा नहीं सकते वहाँ शाम के चला गया ज्यादा से ज्यादा ले करके जब में डाल के घर में आके खा सकता ज्यादा से ज्यादा पर वहाँ खड़ा होकर खा नहीं सकता कि गड़ी वाला देखो कैसे ब्रह्मचारी है यहीं खा रहा है इधर इसका मतलब घर में मंदिर में ठीक से खाने नहीं मिलता भूखा लगता है इसको नहीं? तो ये बात बेस को रुकता है बस तो रुकता है प्रचेताओं ने अपनी कभी लड़े नहीं आपस में और दसों के दस एक मे की टेम्परेचर में एक ही मीटर में जाके भक्ति किया और भगवत प्राप्ति कर लिया है तो परात शब्द बताए दिव्य जगत के परात पर की जगत से परे है क्या परे है क्या परे हैं भगवान के जगत से परे कहा जाता क्या कि भगवान की जो दिव्य पद है वो पर है भगवान की चरण को परम बताया गया भगवान की पद को दिव्य बताया गया और उस पद को प्राप्त करने के लिए जी बताए ब्रह्म थी भगवान थी परमात्मा थी भगवान यती शब्द थे श्रीमद भागवत में वर्णन है श्लोक का तो ब्रह्म को कोई ब्रह्मों में लीन होना चाहते अहम ब्रह्मास्म बस खत्म हो जाओ इधर ही हम वैष्णव ब्रह्म में जाके खत्म होनी होना नहीं चाहते हम तो परमात्मा के साथ होना चाहते हैं उनके साथ वो जैसे यहाँ लीला किया उधर भी जाके हम उसके साथ लीला करें भागीदार बने या तो भगवान के साथ मिल जाए भगवान, भगवान के साथ में हम पांच फकर मुक्ति में मिल जाए पांच प्रकार मुक्ति ना हो कम से कम स्वामी को प्राप्त करें फायदा रहेगा तो वो तीन जो भगवत प्राप्ति है तो हल्का ज्ञानी व्यक्ति जो है जो भगवत प्राप्ति का नहीं ठीक से मालूम पड़े उनको तो ब्रह्म में लीन होना चाहता है वही तो उनका है तो वैष्णव ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहता सागर में पानी के बूंद से और दो चार घोड़ा डाल दो तो कौन फर्क पड़ता है अग्नि के फुलंग में और एक अग्निश फुलंग जाके मिट जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसी प्रकार ब्रह्म भी यहाँ मिल जाए तो ब्रह्म को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा अस्तित्व समाप्त जी कहते हैं जो सूर्य की जो तेज है ये ब्रह्म है और सूर्य की अंदर जो लोक है वो परमात्मा है परंतु सूर्य के अंदर जो सूर्य देव है वो भगवान है हमें उस देव से मिलना है ना ही ज्योति में मिलाकार होना है कदाकार होना है ना ही कि धाम में जाके मशगुल हो जाना है हमें तो वो ब्रह्म से मिलना है साकार ब्रह्म से निराकार ब्रह्म से नहीं निर्विशेष ब्रह्म तेज में मिल जाके मिलना नहीं निराकार ब्रह्म का उपासक इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी लोग है नहीं करना हमें कहते साकार तो ब्रह्म मिलना है वो परम पद जो है भगवान की परमात्मा के साक्षात्कार उस प्रसंग को यहां पर जी कहते हैं जो स्वामी कहते हैं कि परत परात का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कौन है तो सर्वश्रेष्ठ भी श्रेष्ठ कौन है ये बताते हैं कि भगवान की साक्षात्कार भगवान की कृपा भगवान की भक्ति ही साक्षात्कार है इस प्रकार से प्रभुपा जी लोग में वर्णन कर रहे हैं शक्तियों का भक्तों का भगवान का और सब मिला करके हम जान सकते हैं कि प्रचिता जो भक्ति किया है ये बड़ी अलौकिक भक्ति है लौकिक भक्ति नहीं किया अलौकिक भक्ति इसीलिए कि वो जल के अंदर किया कि आज के दिन में कोई जल के अंदर भक्ति करता है अच्छा एक माला करके जाके देखो तो ऐसे कभी नींद में जाके गं, गंगा जा, माला एक माला एक, एक, माला दस, एक बार दस मिनट दस मिनट में पानी के अंदर जाके जब करके करो दस मिनट के बाद इतनी स्तुति किया है जो शिव जी ने दिया भगवान विष्णु का स्तुति उसमें वर्णन है कैसे भगवान के रूप है कैसे दर्शन है कैसी कृपा है ये भगवत ने दिया है कठिन है ये इसीलिए वो अलौकिक है लौकिक तो ऊपर है हम आराम से सांस ले रहे हैं जब कर रहे हैं खा रहे हैं पी रहे घूम है, रहे हैं प्रभुपा जी की शरण में है ये अलौकिक में है पर इसमें अलौकिक केवल है दिव्य नाम जो है वही अलौकिक है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम ये अलौकिक है ये अलौकिक नहीं है बाकी कुछ भी देख रहे है ना सब लौकिक है दिख रहा है देखने वाला वस्तु जो है लौकिक है जो दिखता नहीं है वो अलौकिक है जो दिख जाएगा देखते के चाद में तो वो अलौकिक देखने का वस्तु जब दृष्टमान होकर सामने आ जाएंगे ऐसे ध्रुव जी महाराज के सामने नाम की प्रभाव से भगवान को आना पड़ो आना पड़ा आना पड़ा नाम में शक्ति है आना पड़ा मंत्र में इतनी शक्ति है आना पड़ा जनमंजय ने इतनी मंत्र झाड़ा पिता की क्रोध में आके पिता को पर काटा मैं नहीं छोड़ूंगा मंत्र पुत करके बड़े बड़े ब्राह्मण को बुला के किया वो तक्षक ने इंदो की सिंहासन में पकड़ करके रहा ये बचा लीजिए मुझे लेकिन मंत्र शक्ति इतना है दूधी तो अलग अलग सर्प गिर रहे कुंडलों में सर्प जग में लेकिन वो सिंहासन में खिस के आ गए सिंहासन में खिस में आ गए कम बात नहीं है तब अस्तिक मुनि आकर के जी आकर के समझाए बेटा एक ने तुम्हारे पिता को करा तिलंग मर जाता था सक में हानि आज में एक के लिए तुम इतना कर रहे हो सबको मार मार डाला सब एक जीव के कारण ये भी जीव है अस्तिकस्त मनी माता जरूरत का तुमने पत्नी मनुष्य दिव्य मस्तिक मुनि ने बचा दिया उसको बचा करके रोक दिया तो सर्वकुल तब से जिंदा है पर अभी भी हमारे लिए तो खतरा ही है सांप देखते तो डर लगता कहीं काट ना दे है कहीं ना हमारे ऊपर आ जाए कहते हैं एक सांप तो उसमें है जो काटेंगे सामने और ये काल सांप सबके ऊपर है वो काट रहा है हमको दिखता नहीं भागवत में शुरुआत में बोलते हैं काल बाल मुख ग्रास त्रास निर्णम हे तभी वो रूपी अजगर सबके सामने मुंह खोल के बैठे हैं काल रूपी अजगर अजयर नहीं काल रूपी जिसे मुंह खोल के रखा है अजी में सब आ रहे हैं जा रहे हैं आयु हरण हो रहा है मृत्यु की ओर जा रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा है वो तो कौन है वो तो काल बाल मुख ग्रास जा रहे हैं हम तो उस सब से किसी का रिहा नहीं है सबको जाना है कितना भी बड़े हो कहीं भी हो राजा प्रदुर को तक्ष आके कटा था लेकिन ये तक्षक जो बैठे हैं हमारे काल बाल बाल कहते मुख के बेदान को मो खोल के बैठे है जी अंदर जा रहे हैं साहब जी बात्मा पतंग की तरह बुझी बकार इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है एकमात्र उपाय कौन से उपाय भागवत कथा हाँ सुखादी भी हरी कथा सुखदी जी जो कथा किया वही सुनना है तो लाभ होगा लाभ हो रहा है दुनिया को सबको लाभ हो रहा है जो जिन्होंने प्रवेश किया लाभ हो रहा है जिनको नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है लेकिन जिन्होंने प्रवेश किया सच्ची दिन से तो उसको लाभ हो रहा है उसको खुद मालूम पड़ता है कि हम पीछे नहीं आगे जा रहे हैं मैं बताया जैसे शुरुआत में कि आगे बढ़ रहे कि नहीं दूसरे के प्रति कितना देश भावना गए कितना हिंसा कितना बैर भाव गए वो आप तुम्हारे जा रहे हैं चाहे वो बैर करे बैर करे आप बैर नहीं करना ये भावना तुम्हारे अंदर होता है तो युधिष्ठिर हो जाएंगे आप स्थिर हो जाएंगे मन स्थिर हो जाएंगे आप आगे।, आगे बढ़ेंगे निश्चित आगे बढ़ेंगे यहीं मैं समाप्त करता हूँ पंडित जी बैठे हैं जितने में तो कुछ बोल सकते हैं बोले माइक किधर है तो। किसी का भी प्रश्न हो तो तैयार करो पंडित जी के बाद हरे कृष्णा धन्यवाद तो आज के श्लोक में पृचेतन लोग कह रहे हैं कि अथापि वृणी महे यानी फिर भी हम वर मांग रहे हैं तो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा ये वरदान है कि आपकी हमें प्रसन्नता प्राप्त हुई है तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होना ही बहुत बड़ा वरदान है तो और वरदान की आवश्यकता नहीं है फिर भी कह रहे हैं इस श्लोक में कि फिर भी हम वरदान मांग रहे हैं क्यों क्योंकि भगवान ने कहा था कि तुम लोग वरदान मांगो कुछ मांगो तो भगवान की इच्छा होती है कि भक्त उनसे मांगे भगवान कहते हैं मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं आता वर मांगो तो वो कह रहे हैं कि हाँ हम वर मांग रहे हैं तो ये प्रीति लक्षण है प्रीति लक्षण में कुछ मांगा जाता है कुछ दिया जाता है तो भगवान अपने भक्तों पर इतने कृपालु होते हैं और कृपा करने के लिए इतने उत्सुक होते हैं हाँ व्यग्र होते हैं तो भगवान कहते हैं कि मांगो और भक्त नहीं मांगना चाहते हैं निष्काम है लेकिन तो अभी भगवान की इच्छा है कि तुम क्यों नहीं मांगते और भगवान ने अपनी तरफ से बहुत वरदान दिए लेकिन फिर भी कहा वरम वृणिध्वम कि वर मांगो मुझसे तो ये जो है चैतन्य लीला में भी देखी जाती है बात कि भगवान चैतन्य भी जो है अपने भक्तों वो भक्तों को नहीं मांगते वरदान कहते नहीं मांगो तुम तो मांगो कुछ मांगो है तो भगवान की बहुत इच्छा होती है तो ये प्रीति लक्षण है प्रीति लक्षण में क्या ददाती प्रतिग्रहण आती ये कुछ देना है कुछ मांगना है कुछ लेना है और भगवान भी भक्तों से मांगते हैं और मांगते नहीं हैं छीनते हैं चोरी करते हैं ये सब प्रीति लक्षण हैं भगवान अपने भक्तों का छीन करके खाते हैं हैं मांग करके खाते हैं छीन करके खाते हैं चुरा करके खाते हैं ये प्रीति लक्षण है और भक्ति भी जो है भगवान से मांगते हैं तो भगवान को बड़ी प्रसन्न हो होती है कि है वो मांग रहा है मुझसे है ना ये जो सकाम भक्त होते हैं जो भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहते केवल मांगना चाहते हैं तो भगवान उन पर प्रसन्न नहीं होते लेकिन जो भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान चाहते हैं कि वो मांगें क्योंकि वो बहुत प्रसन्न है तो प्रसन्नता से जो है भगवान चूँकि चाहते हैं कि भक्त मांगें तो यहाँ पर भक्त लोग जो है ये लोग कह रहे हैं कि हम फिर भी आपसे मांगेंगे हमें तो कृतकृत है हमारा जीवन कृतकृत्य है कृतार्थ है कि आपने हमें जो है आपने आपकी प्रसन्नता प्राप्त हो गई है इससे बढ़कर के कोई वरदान नहीं है फिर भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ हम मांग रहे हैं हरे कृष्णा न जन्म न जन्म न सुंदरी कविता मगति काम मही चैतन्य माप बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए हमको लेकिन भक्त तो कहते हैं हम भी कुछ नहीं चाहते हैं भगवान जैसे तो मित्र तो बताएं कि हम देना चाहते हैं जो भगवान और भक्तों में ये होड़ रहते हैं तो ही मुही लागे होड़ भगवान कहते ठीक है तुम नहीं चाहते हम देते हैं अरे भगवान देते हैं नहीं मांगने से भी देते हैं यही भगवान की बड़ी कृपा है तुम नहीं भी मांगो कुछ भी, भी ना मांगो खाली खड़े हो जाओ वो क्या अंधा है क्या समझते नहीं क्या है तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर क्या मांगने वाला है कि नहीं मांगो तो अच्छा है नहीं मांगो तो वो दे ही देंगे आपको क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारे क्या चाहत है इसीलिए वो दे देंगे तू कहते हैं तुझे देते नहीं देखा पर तूने मुझे मेरा झोली भर दिया देते नहीं देखा भगवान कब देता कब देता वो सुदामा को दिए ना मेल दे दिया अटरी पटरी दे दिया वहाँ तो कुछ नहीं दिया उल्टा कपड़ा उतार लिया तो अच्छा कपड़ा पहना दिया तो कहते नहीं नहीं ये उतर के जाओ रास्ता में दिक्कत हो जाएगी चोट डाक घुमाने की उतर लिया और पुराना फटा कपड़ा दे दिया पर यहाँ करके देखा मेल खड़े हो गए हैं सुशीला के मुझे कौन दे के गए बोले वो आपका मित्र भेजा था विश्वकर्मा को लोगों को वो बना के गया तो तुझे देते नहीं देखा भगवान कब किसको देते हैं वो बोल के नहीं देगा प्रभुपाद जी को इतना भगवान ने किया देख के दिया ये प्रभुपाद जी आपको मैं दस करोड़ दे रहा हूँ नहीं इतना प्रभुपाद जी को दिया है चालीस चालीस डॉलर चालीस डॉलर के हिसाब से और अब क्या कहा नहीं है तो भगवान देते हैं ना चाहने से भी दे भगवान के स्वभाव है भगवान के स्वभाव है देने का पर हमारे स्वभाव भी बनना है भगवान से लेने का पर ये भौतिक वस्तु नहीं क्या लेना है भगवान की भक्ति लेना है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम जगत गुरशील प्रभुपादी समेत भक्त गौर प्रमाण